दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अगर आपने नाइन्थ में कॉमर्स को चुन लिया है या आप नाइन्थ में कॉमर्स को चुनने वाले हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कॉमर्स सेक्शन में ही हैं, क्योंकि साइंस साइड में पैसे बहुत चाहिए, नॉलेज बहुत चाहिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कंपटीशन भी बहुत हाई है। लेकिन कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स मीडियम में है, क्योंकि इससे नीचे आर्ट साइड और एग्रीकल्चर आता है, तो यहाँ पर मीडियम अगर हम सिलेक्शन को देखेंगे तो कॉमर्स ही है। और आर्ट साइड में भी कैरियर कम नहीं है ना साइंस साइड में है, क्योंकि किसी भी साइड में नौकरियां तो हर साइड में होती हैं, ओके, सफलता तो हर साइड में मिलती है, लेकिन हम कहां पर बहुत अच्छा कर पाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये वीडियो आपके पास में जो पहुंच रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर नाइन्थ में आपने कॉमर्स को सिलेक्ट किया है तो आज के बाद आप पर चाहे किताब हो या ना हो, ये 100% आप समझ जाएंगे कि इस साल आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ओके। बस वीडियो को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद आपको समझ लो कि जहाँ कहीं पर भी आप चाहे ट्यूशन पढ़ते हो चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ जो पढ़ाया जाएगा उससे बहुत अलग आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैंने ये आपकी हेल्प के लिए बनाया है, नाइन्थ में पूरे चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो भी हमारी यूट्यूब से मिलते रहेंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, आगे जो घंटी बनी हुई आ रही है उसको प्रेस कर दीजिएगा, सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। जब भी कोई वीडियो बनेगी तुरंत आपको मिल जाएगी। तो आपका जो पूरा कोर्स है मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में पूरा कराऊंगा। आइए समझते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के बारे में इससे पहले सुना नहीं होता है, तो आज के बाद आप भूल जाइए, कॉमर्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और आपको सब कुछ आता है, ओके। कैसे आता है समझते हैं। देखो दोस्तों, आपके 100 नंबर का तो होता है पूरा पेपर पूरे साल का, जिसमें से 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल होते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर बनता है और टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, ओके। अब ये जो पेपर पूरा बनता है तो वो कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का बनता है ये भी हम बता देते हैं। देखिए, 4 खंड में आपका पेपर बटा हुआ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो पहला और तीसरा ये आता है कितने कितने नंबर का, 20-20 नंबर का, ओके। और जो दूसरा और चौथा होता है ये आता है कितने कितने नंबर का, 15-15 नंबर का। तो दोस्तों 20 और 20 ये कितने होते हैं, 40, 15 और 15 ये कितने होते हैं, 30, 40 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 70। ये पूरा जो सिलेबस है 70 नंबर का है। अब क्लास में आप टॉप कैसे करोगे, अच्छे नंबर कैसे लाओगे, ये सीखने के लिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने समझ लिया, देखो दोस्तों जो न्यूमेरिकल हैं वो कौन कौन से हैं, पहले मैं ये बता दूं। देखिए, एक तो जर्नल, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, खाता बही से न्यूमेरिकल मिल सकता है, तलपट से न्यूमेरिकल मिल सकता है और भारतीय बही खाता प्रणाली। ये जो 4 चैप्टर हैं ये हैं न्यूमेरिकल के, बाकी सब थ्योरिकल के हैं। अब थ्योरी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि सबसे पहले मैं जिसको बता रहा हूँ उन चैप्टर को तैयार करिएगा, ओके। और जिन चैप्टर को आप मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे पूरे पूरे चैप्टर के, आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें मुझे क्या लिखना है। जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, बस यही अपनी भाषा में आपको लिख दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है। बाकी आपको जो नोट्स हैं वो भी हमारे YouTube चैनल से मिलते रहेंगे PDF के रूप में, और जो PDF मिलेंगी वो Telegram चैनल पर मिलेंगी। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही मिलती रहेंगी, पहले समझ लीजिएगा। देखो थ्योरी की बात आती है तो सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट दोहरा लेखा प्रणाली, ये जरूर आता है, हर साल पूछा जाता है। इसके बाद में व्यापारिक कार्यालय बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, व्यापारिक प्रतिलिपिकरण खूब आता है, व्यापारिक पत्र व्यवहार के लिए खूब पूछा जाता है। इसके बाद मुद्रा का स्वर
मुद्रा की परिभाषा, कार्य एवं महत्व बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। वस्तु विनिमय के बारे में खूब पूछा जाएगा आपसे 9th में। मुद्रा का वर्गीकरण, चलिए ये तो बाद में हो जाएगा। पत्र मुद्रा, भारत में मुद्रा प्रणाली, यहाँ पर मुद्रा का वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, मुद्रा का वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार करना है। अब आ जाते हैं नीचे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पहला ही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आवश्यकताओं का वर्गीकरण ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बाकी जो चैप्टर बचे हैं आप सोचेंगे कि वो नहीं पढ़ना है, तो ऐसा भी नहीं है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन पहले इन चैप्टर को पढ़ना है। इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपको मैटर मिलेगा पेपर में। ओके, जिनकी हाफ अर्ली परीक्षा होगी इसका आधा आधा देख लेंगे चारों पार्ट से। ओके, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आधा आधा पार्ट। अगर किसी में 7 हैं तो समझ लो 4 चैप्टर तक तैयार करने हैं, 6 हैं तो 3 ही तैयार करने हैं। ओके, तो किसी में इस पहले में ही है 7, बाकी किसी में नहीं है, क्योंकि तो इसमें भी 6 चैप्टर हैं, इसमें तो 4 ही चैप्टर हैं, और इसमें 5 चैप्टर हैं। 5 हैं तो 3 तैयार कर लीजिएगा। ओके, 4 हैं तो 2 तैयार करना है, 6 हैं तो 3 तैयार करना है, और 7 हैं तो वहाँ पर 4 तैयार करना है हाफ अर्ली के लिए। ठीक, इसके बाद में फिर पूरा आपको तैयार करना है। अब मैं इसके बारे में आपको समझा दूँ जिससे आप समझ जाओ कि किस चैप्टर में क्या है। ओके, कैसे करके लिखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विषय प्रवेश की। क्या होता है विषय प्रवेश? जो नया नया हमने विषय लिया है, इस विषय के बारे में पूरी जो थ्योरी है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ हमें पढ़नी होती है विषय प्रवेश में। अब विषय प्रवेश में हमने क्या चुना है? कॉमर्स चुना है, क्योंकि 9th कॉमर्स है और यूपी बोर्ड का है ये, तो यूपी बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, सिलेबस यही है दोस्तों, सारे बोर्ड में सिलेबस 9th में यही रखा गया है। अब यहाँ पर विषय प्रवेश में बता दूँ कि कॉमर्स किसे कहते हैं, यही चीज़ है। देखो, कोई चीज़ बनती है तो उसको हम क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे ये पेन, पहले अगर प्लास्टिक था तो हमारे लिए बेकार था, लेकिन इसको एक आकार दे दिया गया, इसमें इंक डाल दी गई, ये लिखने योग्य बना दिया गया, तो इसका क्या हो गया? उत्पादन। अब ये कहाँ हुआ? फैक्ट्री में हुआ। फैक्ट्री वाले ने थोक वाले को बेचा होगा, थोक वाले ने फुटकर वाले को बेचा होगा, फुटकर वाले ने हमें बेचा, और हम इसको लिख के और ख़त्म कर रहे हैं। तो जहाँ से बना तब से लेकर के और जिससे हमने खरीदा वहाँ तक, यानी उत्पादन से लेकर उपभोग तक के जितने कार्य हैं वो सब अपनी किस में आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। ओके, तभी तो कॉमर्स में देख रहे हो आप, व्यापार के बारे में पढ़ रहे हो आप, मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हो आप, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि खरीदा किससे? मुद्रा से। बेचा किसी ने, क्या किया? व्यापार किया। उस व्यापार को चलाने के लिए उसने क्या? अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, यानी उसने धन लगाया। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ माने धन और शास्त्र माने अध्ययन। जिसमें धन का अध्ययन हो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इस पेन के संबंध में पूरे हिसाब किताब बनाना कि कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, क्या हुआ, वो सब हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में निकाले जाते हैं। ओके, तो विषय प्रवेश हमारा पूरा हो गया। किसे कहते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, किसी विषय में क्या क्या है। अब बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोहरा लेखा प्रणाली, जैसा कि इसके नाम से ही लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ भूलना मत, दोहरा लेखा प्रणाली इटली के एक वैज्ञानिक थे, लूकस पैसिओली, कहीं कहीं ल्यूकस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं लूकस मिलेगा, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उनका कहना था कि कोई भी लेन देन होता है तो कम से कम दो पक्षों में होता है। अगर हम लेखा करते हैं, लिखते हैं उसके लिए, तो कम से कम दो जगह पर लिखें। ऐसा क्यों? जिससे एक जगह गलत हो जाए तो दूसरी जगह अपने आप सही हो जाए। इस प्रणाली को हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? इटली के। ओके, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, डी कंप्यूट सेट स्क्रैपचरिस, अगर याद रह जाए आपको तो ठीक है, और इनका नाम जरूर याद रखना, लूकस पैसिओली। दोहरा लेखा प्रणाली के बहुत सारे लाभ हैं भाई, गलती कम होती है, हिसाब किताब अच्छा रहता है, व्यापार की जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। अगला है जर्नल, ये लिखा तो जर्नल है। ओके, इसमें जर्नल एंट्री बनती हैं।
अब जर्नल एंट्री कैसे बनती हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लेन देन हुए, आपको तो पता है इस समय सबको जीएसटी चुकाना होता है, जितने भी हमारे व्यापारी हैं उनको जीएसटी चुकाना होता है, तो वो कितना जीएसटी चुकाएं, कितना उन पर टैक्स बना, इनका हिसाब किताब करने के लिए जितने सुबह से शाम तक लेन देन हो रहे हैं यानी खरीदा बेची हो रही है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक एंट्री के रूप में लिखना जर्नल कहते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन सब के बारे में जो वीडियोज हैं आगे आपको मिलते रहेंगे। अगर आप भूल गए तो फिर ये चीजें आपको हो सकता है ढूंढने में दिक्कत हो। ओके, तो जहां पर लिखा है सब्सक्राइब लाल रंग से, उसको प्रेस कर दीजिएगा और तो समझ लो सारे जितने भी हमारे आगे के वीडियोज होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे। खाता भाई, अब भाई बहुत लोगों को हम माल बेचते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हम क्या बना देते हैं, खाता बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खाता भाई। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कैसे कहते हैं, बे पुस्तकें जिनमें क्रय विक्रय करते हैं तो इसके बाद में लेखा होता है, उन्हीं को हम कहते हैं प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। इसमें दोस्तों कितनी पुस्तकें होती हैं, 10 पुस्तकें होती हैं। कौन कौन सी 10 होती हैं सुन लो, क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी। अरे हमने खरीदा, क्रय में लिखा गया, और खरीदा कुछ खराब निकल गया माल, वापस कर दिया, तो वो क्रय वापसी में लिखा गया। इसी तरह से विक्रय, विक्रय वापसी, चार हो गई, क्रय, क्रय वापसी, विक्रय, विक्रय वापसी। अब प्राप्त बिल पुस्तक और देय बिल पुस्तक, इसके बाद में हमारा जर्नल पुस्तक, फिर मुख्य जर्नल रोजनामचा जिसे कहते हैं, फिर रोकड़ पुस्तक, और इसके बाद में रफ पुस्तक, और एक खुदरा रोकड़ पुस्तक। ये 10 पुस्तकें हमारे व्यापार में रखी जाती हैं। हालांकि पूरा इस चैप्टर को जब हम बताएंगे तो पूरा वीडियो ही उस पर आपको मिल जाएगा। अगला है तलपट। तलपट ये बहुत आता है एग्जाम में, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें तलपट में क्या होता है, कुछ चीज़ें डेबिट करी जाती हैं, कुछ क्रेडिट करी जाती हैं, कुछ ऋणी की जाती हैं, कुछ धनी। कौन कौन सी डेबिट होती हैं, कौन कौन सी क्रेडिट होती हैं, वो तो चैप्टर बताएंगे, पढ़ाएंगे तभी वहाँ पर बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मात्र 7 चीज़ें हैं जो क्रेडिट में जाती हैं और बाकी सब डेबिट में जाती हैं। यानी क्रेडिट को कहते हैं धनी और डेबिट को कहते हैं ऋणी, ऋणी धनी इसमें सीखा जाता है। इसके बाद आती भारतीय बही खाता प्रणाली। ये क्या है, ये प्राचीन समय में आपने देखा होगा, कभी सुनार की दुकान पे गए होगे तो वहाँ पर एक लाल जिल्द चढ़ी हुई किताब होती है, उस पर ऊपर लिखा हो जाता है श्री गणेश जी सदा सहाय मिति वैसाख, जो भी है लिखने का तरीका बहुत हिंदी में होता है शुद्ध, इसे हम भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। ओके, क्योंकि ये भारत में ही इसका प्रचलन था और इसका जो लेखा है वो लाइनें नहीं खींची जाती हैं, वो एक पन्ने पे ही सीधे किया जाता है, जिसको लाला बनिए इत्यादि आज भी करते हैं। तो ये पहला पार्ट था जहाँ से 20 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, दूसरे पार्ट में चलते हैं, यहाँ से व्यापार प्रणाली। व्यापार कैसे कहते हैं, अरे लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी चीज़ का बार बार क्रय विक्रय करना हमारा क्या कहलाता है, व्यापार। ये व्यापार नहीं कहलाता, ये हमने पता चला कि एक व्यक्ति से 10,000 रुपये में खरीदा और आपको 20 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये में फायदा हो गया, हम कह रहे हैं हमने व्यापार कर लिया। नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स में व्यापार इसे नहीं कहेंगे। कॉमर्स में व्यापार कैसे कहेंगे, जब हम बार बार इन्हीं चीज़ों को खरीदें बेचें, खरीदें बेचें, तो वो चीज़ कॉमर्स में क्या कहलाती है, व्यापार कहलाती है। दोस्तों बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में तो कुछ अलग होती हैं लेकिन हकीकत उनका कुछ और होता है। जैसे मूल्य और कीमत, आपने खूब सुना होगा कि मूल्य और कीमत दोनों में क्या अंतर है, अब अंतर की अगर बात आ जाती तो बड़ा कठिन हो जाता है, ये कॉमर्स वाले ही सब कुछ क्लियर कर पाते हैं। मेरे चैनल पे सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर मिलती रहेंगी। ओके, अब व्यापार प्रणाली का मतलब क्या हुआ, यानी व्यापार करने का तरीका, व्यापार कैसे करें, यही चीज़ होती है हमारी व्यापार प्रणाली में। नेक्स्ट है व्यापारिक कार्यालय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक कार्यालय का मतलब है कि हम जब व्यापार करते हैं तो जिस स्थान पर बैठ करके लिखा पढ़त करते हैं वही स्थान हमारा क्या कहलाता है, व्यापारिक कार्यालय कहलाता है। ओके, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी होंगी। इसमें आने व जाने वाले पत्रों का लेखा, ये क्या होता है, दोस्तों आज तो इंटरनेट चल पड़ा है, मोबाइल चल पड़ा है, टेलीफोन चल पड़ा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साधन चल पड़े हैं, लेकिन पुराने समय में जो व्यापारी हुआ करते थे, ग्राहक हुआ करते थे, वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, बस उन्हीं का आने और जाने वाले पत्रों का पूरा हिसाब किताब भी रखा जाता था। ओके, ये इसमें पढ़ना। प्रतिलिपिकरण, एक ही कागज की फोटो स्टेट लेना क्या कहलाता है, प्रतिलिपिकरण कहलाता है। तो प्रतिलिपिकरण
हाथ से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है, रोटरी मशीन से भी हो सकता है, ये इसकी क्या हैं विधियां हैं, कार्बन से भी हो सकता है, कार्बन कापी लगा के व्यापारिक पत्र व्यवहार में वही पत्र लिखना सिखाया जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको 15 नंबर का मिलेगा, उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद हर चैप्टर की वीडियो बनती चली जाएगी, लेकिन इस तरह का आपको समझाने के लिए प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। ओके, नाइन्थ में जो लोग होते हैं वो पूरे यूट्यूब पे मेरे अलावा किसी ने चैप्टर डाला ही नहीं है, आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए ही है। और इसमें से अगर कोरोना के कारण कुछ सिलेबस कम हुआ तो उसके लिए मैं वीडियो और बनाऊंगा, जब सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है शाखंड आ जाता है, विनिमय का अर्थ व स्वरूप। ये विनिमय क्या होता है दोस्तों, पुराने समय में रुपया पैसा नहीं चलता था, उस समय सबके पास में वस्तुएं हुआ करती थी, तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती थी, विनिमय कहलाती थी। अब वस्तुओं को बदलते थे इसलिए उसी को कहते थे वस्तु विनिमय। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में आपने देखा होगा कि लोग अनाज दे करके सब्जी खरीद लेते हैं, यानी अनाज देते हैं सब्जी लेते हैं, तो वो वस्तु विनिमय हो गया। मुद्रा का उद्गम, अब वस्तु विनिमय में बहुत समस्याएं आती थी, तुम्हारे पास में एक बकरी है और हमारे पास में मान लीजिएगा कुछ और वस्तुएं हैं, अब हम लोग तुम बकरी बेचना चाह रहे, अब बहुत कठिन था कि उस बकरी का मूल्य कितना लगाया जाए। तो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, और मुद्रा का आविष्कार होते ही व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, तुम अपनी बकरी पैसे में बेचो और हम अपनी वस्तुओं को भी पैसे में मतलब दे देंगे। ओके, तो ये मुद्रा का उद्गम और आविष्कार इस चैप्टर में पढ़ना है। मुद्रा की परिभाषा का मतलब, मुद्रा किसे कहते हैं, अरे वह वस्तु जो किसी अन्य चीज़ों को मतलब खरीदने की ताकत रखती हो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, अरे भैया खरीदा बेचना, धन का स्थानांतरण, किसी का भुगतान करना, भविष्य में मतलब धन का संरक्षण, ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, किसके, मुद्रा के। मुद्रा का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब है प्रकार मुद्रा के कौन कौन से हैं, पत्र मुद्रा जिसको हम कागज की मुद्रा कहते हैं, दूसरी हमारी धातु मुद्रा होती है, तीसरी हमारी प्रादिष्ट मुद्रा होती है, प्रादिष्ट का मतलब होता है जो मतलब जो संकेत पर चलती है। ठीक है, और पत्र मुद्रा के बारे में आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, इसके गुण और दोष। भारत में मुद्रा प्रणाली यानी भारत में कौन सी प्रणाली, कौन सा तरीका चलता है, ये इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब यहाँ से ये दोस्तों 20 नंबर का आएगा, इसका मतलब है पहले से और तीसरे खंड से खूब पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं खंड द की, जहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, उपभोग का अर्थ, प्रकार, महत्व, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, ये चार चैप्टर मात्र हैं। तो अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ माने धन से और शास्त्र माने अध्ययन से, यानी वह विषय जिसमें धन का अध्ययन किया गया हो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। मानव की दो क्रियाएँ होती हैं, एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है अनार्थिक क्रिया। दोस्तों जैसे हम जब समाज सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो अनार्थिक होता है। जैसे इस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको पढ़ा रहा हूँ, भाई इंटरनेट भी खर्च हो रहा है, लाइट भी खर्च हो रही है, दिमाग भी खर्च हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है कि आपको कॉमर्स में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी सहयोग की भावना से ये वीडियो बन रही है, तो इसको हम कहेंगे कौन सी, अनार्थिक क्रिया। लेकिन जब हम पैसे लेकर के पूरा बैच चलाते हैं तो वो होती है आर्थिक क्रिया, यानी धन कमाने के लिए तो आर्थिक, और अगर फ्री में सेवा के लिए तो वो अनार्थिक। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी कौन कौन से फील्ड में ये काम करता है। उपभोग का अर्थ, प्रकार, उपभोग, जैसे ये पेन बना तो किसी फैक्ट्री में लेकिन हमने इसको यूज किया और ख़त्म कर दिया, तो यही इसका क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण, आवश्यकताओं का मतलब होता है कि जैसे मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, जैसे आप ही सोचते हो अरे मैं ये बड़े होकर के मैं पढ़ाई करूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं मतलब तमाम चीज़ें करूँगा, तो वो सब आपकी क्या हैं, इच्छाएँ हैं। उन इच्छाओं में से कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जिनका पूरा करना बहुत जरूरी है, वही चीज़ें हमारी क्या बन जाती हैं, आवश्यकताएं बन जाती हैं। ओके, आवश्यकताएं, अब इनका वर्गीकरण यानी कौन कौन सी बहुत जरूरी आवश्यकताएं हैं, कौन सी गौण आवश्यकताएं यानी कम हैं, वो सब चीज़ें पढ़ना है। तो ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये पूरा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एक झलक थी, आपको समझाया हमने, ओवरऑल समझाया कि जिससे आप समझ जाओ कि हमें नाइन्थ कॉमर्स में पढ़ना है तो पढ़ना क्या क्या है।
और आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए जितना भी मेहनत करना होगा हम करते रहेंगे, कॉमर्स में आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे, ये आपसे वादा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें, जिससे आगे के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।